हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइब्रेंट, ब्राइट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और शाइनी स्किन मिलेगी। इस क्रीम को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसे मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर कोई शाइन नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, झाइयाँ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के हमें इस डीआईवाई क्रीम को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको आलू लेना है यानी पोटैटो लेना है। इसको आपको छिलकर अच्छे से इसका जूस निकालना है। तो मैं यहाँ पर कद्दूकस करके इसका अच्छे से जूस निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पर आधा पोटैटो लिया है जिसको मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आपको आधा ही आलू लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसका रस निकालने के लिए इसे अच्छे से छलनी की हेल्प से छान के इसका जूस निकाल लूँगी। आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, तो आलू का रस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर आलू का रस निकाल लिया है। आपको आलू का रस कम से कम 2 से 3 चम्मच लेना है। इतना आपको इसका जूस निकालना ताकि 2 से 3 चम्मच हो जाए। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट बनाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही हो तो स्किन को शाइनी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगी और स्किन को स्पॉटलेस बनाएगी। इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएँ, आप मिक्स करते जाएँ ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो आपको उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो एक जेल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मार्केट की जेल क्रीम होती है, वैसे एक जेल फॉर्म में क्रीम रेडी हो जाएगी और आपको उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एलोवेरा जेल एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि एकदम जेल फॉर्म में रेडी हो चुकी है। अब हमारी जो क्रीम है वो एकदम जेल फॉर्म में आ गई है। तो अब हमारी DIY क्रीम एकदम रेडी है। अब आपको एक एयरटाइट कंटेनर लिस्ट लेना है जिसमें आपको इस क्रीम को स्टोर करके आप कम से कम 1 वीक तक इसको फ्रिज में स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, 1 हफ्ते तक आप इसे इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस क्रीम को यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसे डेली रात को सोने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि आपके पूरे दिन की जो भी फेस पर डस्ट है, डर्ट है, वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप फिंगर टिप की हेल्प से इस क्रीम को अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। आपको तब तक मसाज करनी है जब तक कि ये क्रीम आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो कुछ ही दिनों में अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और शाइनी स्किन मिलेगी। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर और स्पॉटलेस हो जाएगी। तो आप इस DIY क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस क्रीम को अच्छे से अपने स्किन में अब्जॉर्ब करने के बाद आपको इसे ऐसे ही ओवरनाइट छोड़ देना और सुबह नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है।
अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस DIY क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है। मार्केट की महंगी महंगी क्रीम यूज़ करने की बजाय अगर आप इस DIY क्रीम को यूज़ करोगे तो आपकी स्किन पर कोई हार्म भी नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन स्किन मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।